हेलो दोस्तों, आपने नोट कर दिया होगा वीडियोस को, ठीक है, टॉपिक्स को। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर के बारे में हम बताते हैं, एक लाइन लिखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन चलेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड By the image to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object। अब ध्यान दे बाबू यहां पर कि मैग्नीफाइंग पावर किसको बोलेंगे, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। इमेज से जितना एंगल बनता है डिवाइड करेंगे जितना एंगल ऑब्जेक्ट से बनता है, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर। अब हम लोग इसको डेनोट किससे करते हैं भाई, मैग्निफिकेशन को। तो इट इज डेनोटेड बाय स्मॉल m या फिर कहीं कहीं कैपिटल m में भी रहेगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन बना रहे, इस पर तो विशेष ध्यान देना है भाई, ये तो बनेगा भी नहीं। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है, दो लेंस लेना है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे, ठीक है, वो स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और जो आईपीस लेंस रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहे हैं, जो छोटा बनाएंगे, देखिए बहुत स्मॉल ले रहे हैं, ये देखिए लाइन। अब उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर ओ एक्स वाई। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे ए बी, ऑब्जेक्ट रखे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर ये डाउन मतलब रिफ्रैक्ट करेगा, कट किया, ठीक है, कट प्रिंसिपल फोकस पर होगा। अब एक रे ऑफ लाइट ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से, जाके मैच किया। अब मैच जहां किया वहां पर क्या करेगा, ये अपना इमेज खड़ा किया, इसको हम लोग ले लिए ए डैश और बी डैश। अब इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, तो ए डस बी डस ये इमेज हुआ किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। यहां हम लिख देते हैं ये भाई मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। अब उसके बाद एक और लेंस बनाते हैं जो बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा, ये देखो आईपीस लेंस। थोड़ा मेरा ड्राइंग सही नहीं है भाई। अब देखिए यहां पर ओडेस, तो ये मेरा आईपीस लेंस, क्या है ये आईपीस लेंस। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इमेज एडजस्ट होगा और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डेस्टिव के बीच। तो रे ऑफ लाइट ध्यान दे यहां पर बाबू आया, फिर ये रिफ्रैक्ट किया यहां से, और रिफ्रैक्ट करने के बाद कट दिया, और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गया। अब ये दोनों को यहां से मिलाएंगे, ये मिल चुका है, ठीक है। अब मेरा इमेज, मेन इमेज तैयार हो गया, तो सीधा होना चाहिए थोड़ा ए डबल डैस, और ये हो गया बी डबल डैस। तो ये जो इमेज हुआ, ये मेन इमेज हुआ जो मेरा आईपीस लेंस का हुआ। तो ये कहां पर बना है भाई, इसको हम लोग लेंगे इमेज डिस्टेंस, मतलब ये आईपीस का है वीई, तो इसी वीई को ही हम लोग बोलेंगे डी। उसके बाद यहां से यहां तक का दूरी को, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका, आईपीस का, तो यूई सिंबल। अब B से O तक का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का। उसके बाद और कुछ बचता है क्या, हाँ बच रहा है भाई, ये जो इमेज बना था ये इमेज किसका था, ये इमेज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस का था, इसीलिए हमने इसको BO नाम दे दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, इसी के लिए हमने वीडियो भी बनाया आप लोग को। अब ध्यान दो, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमने कंस्ट्रक्शन करके यहां पर रखा है, ये देखो कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने,
पी ए डबल एस, और यहां से रेल लिए। अब उसके बाद अल्फा और बीटा हमें मिल चुका है, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा और ये मेरा बीटा, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग को फिगर जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आते हैं ब्रेक के बाद। डायग्राम हमने रहने दिया है, इसके हेल्प लेकर के हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। चलो ध्यान दो, आप हमने बताया था आपको कि m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, तो m इक्वल टू टेन बीटा बाय टेन अल्फा। ये बीटा किसका एंगल है? इमेज वाला, इमेज का एंगल, और ये ऑब्जेक्ट के लिए एंगल, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, टेन बीटा का हम लोग कैसे मान निकालेंगे? तो ए डबल डैस बी डबल डैस, याद रखिए ए डबल डैस बी डबल डैस और ओ डैस, यहां लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डबल डैस ओ डबल डैस, ए डबल डैस बी डबल डैस, चलो ठीक है, बी डबल डैस और ओ डैस। तो टेन बीटा इक्वल टू पी बाई बी, दैट मीन्स पी क्या हो गया मेरा ए डबल डैस बी डबल डैस, तो यहां लिखेंगे ए डबल डैस बी डबल डैस, और बेस हो गया ए डबल डैस ओ डैस, सिंपल। अब उसके बाद फिर से ले लें अल्फा के लिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, याद आया था बच्चे, पी ए डबल डैस ओ डैस, यानी पी ए डबल डैस ओ डैस। तो टेन अल्फा इक्वल टू पी बाय बी, इसका मतलब टेन अल्फा इक्वल टू पी का मान पी ए डबल डैस डिवाइड ए डबल डैस ओ डैस, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पी ए डबल डैस ये किसके बराबर है? ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था ए बी के बराबर, तो यहां टेन अल्फा इक्वल टू पी ए डबल डैस के प्लेस पर ए बी बाय ए डबल डैस ओ डबल डैस हो गया। मार्कर चेंज करते हैं, मैग्निफिकेशन पुट करेंगे, एम इक्वल टू क्या है? टेन बीटा, तो टेन बीटा का मान क्या है भाई? यहां है, तो ए डबल डैस बी डबल डैस डिवाइड ए डबल डैस ओ डैस डिवाइड टेन अल्फा का ए बी बाय ए डबल डैस ओ डैस, मतलब ए डबल डैस बी डबल डैस डिवाइड ए डबल डैस ओ डैस, ये डिवाइड से ऊपर ए डबल डैस ओ डैस और डिवाइड ए बी। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसका मतलब एम इक्वल टू मेरा कितना आया? ए डबल डैस बी डबल डैस और डिवाइड ए बी। बट और एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दो, तो इसमें दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है, दोनों का मैग्निफिकेशन निकालना है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ए डबल डैस बी डबल डैस डिवाइड ए बी। अब ए डैस बी डैस डिवाइड ए डैस बी डैस, दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ए डैस बी डैस ये तुम्हारा दोनों के लिए है। अब यहां ध्यान दो, तो ए डबल डैस बी डबल डैस डिवाइड लिखेंगे ए डैस बी डैस, रिप्लेस कर रहे हैं, और ए डैस बी डैस डिवाइड ए बी, बस आ चुका है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ए डबल डैस बी डबल डैस, ये वाला ए डबल डैस बी डबल डैस किसका इमेज है भाई? किसका इमेज है? तो आईपीस लेंस का। ए डैस बी डैस ये वाला इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट था आईपीस के लिए, तो ये मैग्निफिकेशन हो गया आईपीस का और ये ऑब्जेक्टिव का, तो एम ई इंटू एम, ठीक है। और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो एम ई इक्वल टू लिख सकते हैं इसको वी ई बाय यू ई इंटू वी ओ बाय यू ओ, ये भी आ गया फॉर्मूला राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। इसको अब हम फिगर को मिटा देते हैं, फिगर जब मिटाते हैं तो फटाक से हम लोग फिगर को थोड़ा मिटा रहे हैं, क्योंकि जगह कम है भाई, तो करना तो पड़ेगा ही। देखिए आप लोग को हमने फिगर मिटा दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसको अच्छे से पॉलिश मार दिए, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एक आध मिनट और लगेगा। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या यूज कर रहे हैं? लेंस फॉर्मूला मतलब 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, तो यहां आईपीस के लिए ले रहे हैं, लगा दिया। अब आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई बाय v
VE इन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1, यहां होगा VE बाय UE इक्वल टू VE बाय FE, मतलब इसको उधर इसको इधर ले रहे हैं, तो 1 माइनस VE बाय FE इक्वल टू माइनस उधर तो VE बाय UE, ठीक है। अब आप देखिए VE बाय UE किसका है, आईपीस लेंस का, मैग्निफिकेशन किसका है, आईपीस लेंस का, तो ME इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस VE बाय FE, यहां तक भी फॉर्मूला प्रूफ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा और स्मार्ट बनेगा यार तो थोड़ा और होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब यहां पर देखिए थोड़ा स्मार्ट बनोगे तो M इक्वल टू यहां पर से ले रहे एम ई इंटू एम ओ, मतलब कि एम ई के प्लेस पर डाल सकते हैं हम लोग 1 माइनस VE बाय FE, ये जो आया है इसको और स्मार्ट बना सकते थोड़ा सा, एम ओ मतलब VO बाय UO इंटू 1 माइनस VE बाय FE, दैट मीन्स प्रूफ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों जज कीजिए, वॉच कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में इतना अच्छा लेने जा रहे हैं वीडियो आप लोग के लिए, कॉम्पिटिटिव वीडियो भी आएगा, बहुत सारा आएगा, ठीक है। आता हूं ब्रेक के बाद, रुपेश कुमार मिश्रा, थैंक यू।